ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर्स अकाउंट्स पे। मैं एक और टॉपिक बता दूं आपको यहाँ पे। ये टॉपिक जो है ये लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये इससे एक टॉपिक रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कमीशन कैसे निकालते हैं, अब सुनना ध्यान से। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्टेटमेंट बताई कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ये रहा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया। अब ध्यान से सुनो, जो सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो होते अनसिक्योर्ड ही है। मेरे शब्द ध्यान से सुनो, जो स्टेप थ्री में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जो भी स्टेप थ्री के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते अनसिक्योर्ड ही हैं। अनसिक्योर्ड इन द सेंस, हमने इनके सामने कोई एसेट गिरवी नहीं रखा है, होते ही अनसिक्योर्ड ही हैं। लेकिन इनको प्रेफरेंस मिलता है कि जो प्योरली अनसिक्योर्ड है, जो प्योरली अनसिक्योर्ड है उसका एक पोर्शन होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा भी, ध्यान से सुनना। ऑल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड, बट ऑल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर नॉट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड हैं, लेकिन सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं दो तीन सेंटेंस यहाँ पे ऐड करूंगा, लिखूंगा, तो आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी समझ में आएगा। पहली बात ये, सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये कि ऑल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बट ऑल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर नॉट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन सारे अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल नहीं होते, पहली बात। तो अगर हमको एग्जाम में ऐसा दिया हुआ, मैं इसको केस ए बी सी करके लिख देता हूँ, केस ए करके लिखता हूँ। अगर हमको एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है कि इफ लिक्विडेटर, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, लिक्विडेटर इज टू बी गिवन रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन, इफ लिक्विडेटर इज टू बी गिवन रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ कि लिक्विडेटर को 2% रेम्यूनरेशन दो ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन हम 2% कमीशन तो निकालेंगे, देन 2% रेम्यूनरेशन या कमीशन, देन 2% रेम्यूनरेशन या कमीशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑन द टोटल ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2% कमीशन दो लिक्विडेटर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे, तो मैंने आपको बताया कि जो सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है 2% कमीशन दो अनसिक्योर्ड पे, तो आपको 2% अनसिक्योर्ड पे भी देना है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी देना है, पहली पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट, ये हमारा केस बी। अगर क्वेश्चन में, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा जब टाइपिंग मेरा फटाफट हो जाए। ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2% कमीशन दो ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 2% कमीशन आपको देनी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे, तो हम 2% रेम्यूनरेशन या कमीशन निकालेंगे, देन 2% रेम्यूनरेशन शुड बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स।
मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे 2% कमीशन दो, तो हम सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के टोटल पे ही 2% देंगे, अनसिक्योर्ड पे नहीं। अब फर्क देखो, अगर अनसिक्योर्ड पे बोला हुआ है तो आपको दोनों पे देना है, प्रेफरेंशियल पे भी अनसिक्योर्ड पे भी। और अगर क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे 2% दो, तो सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे। दिमाग लगाओ, मैंने यही लाइन ऊपर नोट्स में जो दो पॉइंट लिखी है वो यही लिखा है। अगर केस ए में लिखा हुआ है कि 2% कमीशन दो ऑन अनसिक्योर्ड, तो जो अनसिक्योर्ड है वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं और जो प्रेफरेंशियल है वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं, तो हम दोनों पे 2% देंगे। फिर बी पॉइंट पे मैंने बताया कि अगर 2% कमीशन बोला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे दो, तो हम 2% सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे देंगे, अनसिक्योर्ड पे नहीं, क्योंकि प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंशियल, उसके अंदर अनसिक्योर्ड इंक्लूडेड नहीं होते। फिर एक तीसरा केस मैं आपको बता देता हूं, केस सी। इसमें क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर होता है क्वेश्चन। अब मैं एक तीसरा केस बता देता हूं, केस सी। अब केस सी में क्या लिखा हुआ होता है, केस सी में क्वेश्चन में ऊपर से पहले मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया, अब मैं चेंज करने वाला हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है इफ लिक्विडेटर इज टू बी गिवन रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर पीछे लिखा हुआ होता है, इसमें लिखा हुआ होता है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग, ऐसे क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि लिक्विडेटर इज टू बी गिवन रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो हम लोग क्लियरली उसी तरीके से करेंगे जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, देन 2% रेम्यूनरेशन शुड बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड नॉट ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्लियर क्वेश्चन है, बहुत क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% सिर्फ अनसिक्योर्ड पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को एक्सक्लूड करके, तो हम भी वैसे ही करेंगे, 2% सिर्फ अनसिक्योर्ड पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे कमीशन नहीं निकालेंगे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स क्या है, ज्यादा क्वेश्चन वैसा आंसर। ये आपका क्वेश्चन हुआ केस ए का, ये आपका केस ए का क्वेश्चन हुआ, ये केस ए का आपका आंसर हुआ कि अगर लिखा हुआ है 2% ऑन अनसिक्योर्ड, तो हम निकालेंगे अनसिक्योर्ड पे भी प्रेफरेंशियल पे भी। फिर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% ऑन प्रेफरेंशियल, तो हम निकालेंगे सिर्फ प्रेफरेंशियल पे। फिर अगर लिखा हुआ है कि 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो हम इसी तरीके से करेंगे, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे नहीं। तो सीधी बात है, इस चैप्टर में कैसा होता है, एक भी अमाउंट गलत हो जाए तो सारी अमाउंट गलत हो जाती है, तो हर एक रूल अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। इतना लिखेंगे सब लोग, एक बार मैं स्क्रोल कर देता हूँ, ये मेरा नंबर है, ठीक है, नंबर कहीं पे सेव कर लो, लिखना शुरू करो। इतना लिखो सब लोग, ठीक है। लिखते रहो।